दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो सेलिब्रेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश में हैं। ऐसे में वहाँ पर एक बयान दिया जाता है मोदी जी द्वारा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में वो भी शामिल थे, साथ में वो जेल भी गए थे सत्याग्रह के लिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों ने अपने थॉट्स रखे इस बात पर। विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बात को टारगेट किया, मगर मेन बात थी कि गोदी मीडिया ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को बचाया, उनकी गलती को छुपा दिया, बयान पेश कर दिए। आपको सब चीज़ें दिखानी हैं, मगर उससे पहले आप वो बयान सुनिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश में दिया है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के ही पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। तो बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो जैसे ओपिनियंस की, अपने बयानों की एक बाढ़ सी आ गई। लोगों ने इस बात को इतनी जल्दी कैच किया और सोशल मीडिया पर अपने बयान पेश किए। मैं सबसे पहले आपको ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के बयान पढ़ के सुनाऊंगा, उनकी ट्वीट्स पढ़ के सुनाऊंगा इस बात पर उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो सबसे पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, वो कहते हैं बांग्लादेश की आज़ादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी, युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, फिर मोदी जी को जेल किसने भेजा, भारत ने या पाकिस्तान ने। संजय सिंह आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भारत तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था और युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था, तो आखिर मोदी जी जेल कैसे गए थे? भारत ने तो उन्हें जेल कर नहीं सकते, वो भारत के नागरिक थे, तो क्या पाकिस्तान ने उन्हें जेल भेजा था? ये भी एक संदेह की बात है, सवाल की बात है प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पर। इसके बाद दूसरे आम आदमी पार्टी के एक और नेता हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, वो इस पर कहते हैं बांग्लादेश की आज़ादी का यह चैप्टर केवल MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में पढ़ाया गया था। यह कोर्स दुनिया में केवल एक व्यक्ति को डिग्री देने के बाद बंद कर दिया गया था। MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, आपको ये याद होगा, ये एक टॉन्ट मारा है मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पर, जो उनकी डिग्री का बवाल हुआ था। और उनकी डिग्री जब दिखाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो उसमें लिखा था MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, पूरे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में मास्टर हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस पर ही मनीष सिसोदिया ने टॉन्ट भी कसा। इसके बाद जो ट्विटर पर, इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है इस वक्त भी, क्योंकि बंगाल में पहला चरण है, असम में पहला चरण है चुनाव का, ऐसे में आप देख सकते हैं नंबर 1 # वोट फॉर मोदी, नंबर 2 पर # सचिन तेंदुलकर, जो कि आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी सचिन तेंदुलकर बिल्कुल ठीक हो जाए और दोबारा से क्रिकेट खेले मैदान पर आकर, पूरे देश की यही कामना है। नंबर 3 पर देखने वाली चीज़ है #NoVoteToLiarModi, आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पर। यार ये नंबर 3 नंबर 1 आपस में चेंज हो रहा है, कभी नंबर 3 नंबर 1 आ जाता है तो कभी नंबर 1 नंबर 3 पर पहुंच जाता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। मैंने आपको बताया था भारतीय जनता पार्टी का IT सेल इतना ज़्यादा मजबूत है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चलाया जाता है, कोई हैशटैग ट्रेंड करता है, तो फौरन उनके सपोर्ट में एक हैशटैग को ट्रेंड करवा दिया जाता है। और ऐसे ही आज भी हुआ, नो वोट टू लायर मोदी, उसके खिलाफत में वोट फॉर मोदी। इसके बाद अब बात आती है गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया ने किस तरीके से इस बात पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पर, उन्हें बचाया लोगों की आलोचना से, लोगों के क्रिटिसाइज, ताकि लोगों ने क्रिटिसाइज ना करें। गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ये, मैं आपको बता रहा हूँ, दीपक चौरसिया इस बात पर कहते हैं अपने पढ़ने लिखने को लेकर बेवजह इतराने वाले वामपंथियों प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश सत्याग्रह को झूठा बताने से पहले उनकी 1978 में प्रकाशित किताब पढ़ लिए होते। मोदी जी को नीचे दिखाने के चक्कर में और कितना गिरोगे वामियों, अपना अकल बदलो,
अपनी अक्ल बदलो, घृणा जीवियों कुछ तो पढ़ लिया करो। ये दीपक चौरसिया पत्रकार हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जो रोज़ प्राइम टाइम पर आकर आपको न्यूज़ सुनाते हैं। हालांकि वो न्यूज़ होती नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी होती है। पैनलिस्ट को बिठा के वहाँ पर हल्ला मचाया जाता है, आपस में गाली गलौज वगैरह ड्रामेबाजी होती है। और यहाँ पर आप अगर इनकी पूरी लाइन को पढ़ें तो क्या एक पत्रकार की ऐसी लाइन होती है जिसमें वो साफ झलके कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। खैर, इसके बाद एक और पत्रकार हैं, रूबिका लियाकत जी, वो इस पर क्या कहती हैं आप वो सुनिए। वो कहती हैं, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा जानकारी जुटाने में कोई लज्जा नहीं है। साफ उन्होंने पहले ही कर दिया है कि वो सिर्फ जानकारी जुटा रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन बता रही हैं और इसमें कोई शर्म नहीं है। सवाल क्या है कि मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह में हिस्सा लिया कि नहीं। महानुभव मान बैठे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये रहे कुछ और कागज़ सौजन्य से, सौजन्य उन्होंने @KanchanGupta एक यूज़र का यूज़र नेम भी डाला और साथ में नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बांग्लादेश द्वारा मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए एक अवार्ड टाइप दिया गया था। उस अवार्ड में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो जो लोग थे, संघ के लोग थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा और कोई दस्तावेज़ नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर मौजूद थे, वो जेल गए थे या उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी। सिर्फ इस अवार्ड पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था, इस अवार्ड, इस कागज़ पर उनका नाम लिखा हुआ है बस, इसके अलावा कोई दस्तावेज़ नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं प्रशांत भूषण, जो कि हाल ही में अभी कुछ महीने पहले काफ़ी चर्चा में आए थे, वो बेबाक बोलते हैं। उन्होंने इस बयान पर क्या कहा वो सुनिए। मोदी जी वॉज जेल्ड इन इंडिया फॉर सपोर्टिंग द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फॉर विच आर गवर्नमेंट वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान। जस्ट एज 5-year-old बाल मोदी वेंट टू जेल इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड देन गॉट हिज MA इन इंटायर पॉल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। झूठ की भी सीमा होती है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर बयान के साथ साथ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर मीम भी बनाए। कुछ मीम आपको एक दो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बड़े मज़ेदार मीम हैं। थोड़ी न्यूज़ के साथ, खबर के साथ साथ थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, ह्यूमर हो जाए तो और मज़ा आता है खबर को सुनने में, देखने में। तो ये पहला मीम है आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा है नाउ सर्टिफाइड और हाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और साथ में एक और शख्स खड़े हैं और हाथ में एक सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है श्री नरेंद्र मोदी इज हेयर बाय कन्फर्म्ड द टाइटल ऑफ #फेकू। इसके बाद दूसरा मीम आता है शेख हसीना, एक तरफ शेख हसीना का फोटो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है जिसमें लिखा है कि फेक हसीना। एक तरफ शेख हसीना है तो दूसरी तरफ फेक हसीना है। ये लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान के बाद। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।